Hey guys, आप एक डिजाइनर हैं और अपने लिए कलरफुल फोटोग्राफ्स, पोस्टर्स और इलस्ट्रेशन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं जो डिजाइनर्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम है मुजली सर्च। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट पे जाके आप कलर के अकॉर्डिंग फोटोग्राफ्स, पोस्टर्स और कई सारी चीजें यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। और गाइस, इसकी काफी कम वीडियो जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। सो गाइस, मैंने सोचा क्यों न मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं ताकि आपको भी इस वेबसाइट के बारे में पता चल सके। सो गाइस, बिना समय गवाए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और बता देता हूँ कि बेसिकली मुजली सर्च जो है किस तरीके से कलर के अकॉर्डिंग आपको जो है फोटोग्राफ्स, इलस्ट्रेशन और कई सारी चीजें अवेलेबल करवाता है। तो गाइस, मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं आउजा टेक्निकल हंड यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए। आपको वो वेबसाइट बताने वाला हूँ, उसकी वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और गाइस बताऊंगा कि ये आपको किस तरीके से मदद करती है अगर आप एक डिजाइनर हैं। तो चलिए गाइस, मैं लिख देता हूँ गूगल पर बेसिकली मुजली सर्च, जो कि मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा था यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी आ गया है। आपको सर्च करना पड़ेगा, अगर आप पहले यूज कर रहे हैं, आपने कभी यूज नहीं किया है, तो आपको बेसिकली लिखना होगा मुजली सर्च गूगल पे जाकर, ठीक है। देन मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो आपको यहाँ पे ऊपर ही ऊपर इसका लिंक आपको मिलेगा। लिंक जैसे ही गूगल सर्च पे आपको ऊपर ही ऊपर टॉप पर इस वेबसाइट की, ये जो वेबसाइट है इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो, सो यहाँ पे गाइस जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने गाइस इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको जो है दिखाई देगा। ये देखिए, इस तरीके का कंप्लीट इंटरफेस है जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर जाना है कीवर्ड, कलर कोड, कलर नेम और बहुत। आप इन तरीकों से जो है अलग अलग चीजें सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको लैंडिंग पेज सर्च करना है या आपको कोई डैशबोर्ड, आइकन, लोगो, प्राइस पेज, इलस्ट्रेशन, मोबाइल एप कुछ भी अगर सर्च करना है तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना होगा, उस चीज को लिख देना होगा, ठीक है। अब आप एक एक और अगर नोटिस करेंगे तो मेरा जो कर्सर है, मैं जहाँ पर चीज को ले जा रहा हूँ उस फोटो के यहाँ, तो वो उस कलर में चेंज हो रहा है। देखिए आप देख पाओगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस कलर के अंदर अलग अलग आइकन, लोगो, इलस्ट्रेशन, मोबाइल एप, लैंडिंग पेज वगैरह चाहिए, तो मैं बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर दूंगा तो वो एक कोड जनरेट होगा। उस कोड के अकॉर्डिंग आपको उसी कलर के साइड में यहाँ पर शो होंगे। देखिए तो ये आप यहाँ पर आपको जो है यूज कर सकते हैं अगर आप एक डिजाइनर हैं। तो देखिए, आपको उसी कलर्स के अंदर अलग अलग चीजें जो है आपको दिखाई देगी। लोगो हो सकता है, डैशबोर्ड हो सकता है, मोबाइल ऐप हो सकती है, इलस्ट्रेशन वगैरह बहुत सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए कोई कलर के हिसाब से अगर आप सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ग्रीन कलर सर्च कर लेता हूँ एक बार। आप किसी भी कलर के हिसाब से, कीवर्ड के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे देखिए आपको नंबर दिखाई देंगे, इतनी जो टोटल सर्च रिजल्ट्स हैं आपको ग्रीन कलर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो टोटली सारे जितने भी ग्रीन कलर के जितने भी लोगो होंगे, एप्स होंगी, डैशबोर्ड होंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से गाइस, आप जो यहाँ पर आपको एक फिल्टर का ऑप्शन भी मिलता है। आप यहाँ पे जो है फिल्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आइकन्स ही चाहिए तो आइकन्स को मैं क्लिक कर दूंगा तो मुझे केवल ग्रीन कलर के आइकन जो है वो ही शो होंगे यहाँ पर। ये देखिए, आपको बेसिकली जितने भी ग्रीन कलर के आइकन होंगे वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीवर्ड्स के लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ जैसे कि यहाँ पर मैं कीवर्ड के रूप में सर्च कर लेता हूँ लॉयन, ठीक है, लॉयन की सर्च कर लेता हूँ एक बार। तो इस तरीके से आप कीवर्ड के हिसाब से भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की इमेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैंने लॉयन की लिखा था, लॉयन ने लिखा है इसलिए मैं लॉयन लिखता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, ये आपको लॉयन से रिलेटेड सारी इमेजेस
यहाँ पर मिल जाएंगे, आप उनको यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो इस तरीके से आप लोग कलर कोड के हिसाब से, कीवर्ड के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सर्च करता हूँ विंटर, तो आपको विंटर के हिसाब से सारी इमेजेस जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, तो आप उसे बेसिकली यूज कर सकते हैं। देन फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ जैसे कि ऑरेंज कलर जैसे हमारा होता है, तो मैं यहाँ पर ऑरेंज सर्च कर लेता हूँ। आप अलग अलग तरीके की कीवर्ड्स इमेज जो है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप एक डिजाइनर हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। काफी सिंपल सा इसका इंटरफेस है, आप कॉमनली जो है बेसिक जो सर्च ट्रीज होते हैं, जो बेसिकली हम डिजाइन में लोगो वगैरह यूज करते हैं या फिर जो हमारे डैशबोर्ड वगैरह होते हैं वो यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली खाली कलर्स के साथ आपको मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि वेबसाइट काफी छोटी थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको ये वेबसाइट जरूर पसंद आई होगी। तो गाइस अगर ये वेबसाइट आपको पसंद आई तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वेबसाइट कैसी लगी। और गाइस इसके साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।